Intraday trading tips for 9th December 2019. Best trading stocks for Monday. Intraday stocks for tomorrow. नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड की इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है ये आती है आपको अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके पास में कल आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, कौन से साइड में आप ट्रेड कर सकते हो, ये एक दिन पहले से आपका प्लान डिसाइड रहना चाहिए। ये प्लान आप कैसे डिसाइड करते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की समझ है, अगर आपको मार्केट बिहेवियर समझ में आता है, तब जाकर के आप ये एक दिन पहले अपना एनालिसिस निकाल सकते हो, कर सकते हो, और दूसरे दिन आप उसी जगह के ऊपर में, वही स्टॉक्स के ऊपर में आप ट्रेड कर सकते हो। तो हम लोग, जो लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए हम लोग स्वयं है, हम लोग खुद आपके लिए वो सारे के सारे स्टॉक्स आपको एक दिन पहले देते हैं। कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पर में मिलते हैं यूट्यूब के वीडियो में, और कुछ स्टॉक्स हम लोग आपको हमारे फ्री टेलीग्राम के ग्रुप में देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको एनालिसिस बताता हूँ, कल कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो ये बताता हूँ, कल कौन सी डायरेक्शन में वो एक अच्छी मूवमेंट कर सकते हैं ये बताता हूँ, और इसी के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो एक्सिस बैंक मैंने यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम में लगा करके रखा हुआ है, और एक्सिस बैंक के चार्ट को अगर आप ढंग से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। चार्ट को अगर मैं छोटा करूंगा तो आपको दिख जाएगा वो ढंग से, लेकिन अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर मैं सपोर्ट लिया, इससे पहले भी सपोर्ट लिया है, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ब्रेकडाउन दे चुका था एक्सिस बैंक। ऑलरेडी मैं नीचे आया था थोड़ा सा, लेकिन बाद में वापस ये ट्रेंड लाइन के अंदर में गया और ट्रेंड लाइन के अंदर में ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद इसने एक और एक स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ पर मैं दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये अब और नीचे में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से पहले ये इधर में एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ चुका है, इसीलिए एक्सिस बैंक में अब कल अगर यहाँ से इस लेवल को कभी अगर एक्सिस बैंक तोड़ने में कामयाब अगर हो जाता है, क्योंकि ये लेवल अभी इस सपोर्ट जोन के नज़दीक में ही है, अगर कभी मान के चलिए कभी एक्सिस बैंक अगर इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो एक्सिस बैंक नीचे थोड़ी सी डाउनसाइड की मूवमेंट दिखाना लाजमी है। अगर एक्सिस बैंक में कल छोटी मोटी नीचे में करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस मैं समझता हूँ, राइट। इसी के कारण आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे, पैटर्न को समझना सीख लोगे, तो आप अच्छे तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उनमें राइट टाइम पर एंट्री आप कर सकते हो। एक्सिस बैंक इसीलिए हमारे यहाँ आज सेलिंग के रडार के ऊपर में, एक्सिस बैंक को हम लोग सेल करेंगे 715 के नीचे में। अगर मान के चलिए हम लोग कभी सेल करते हैं तो हम लोग उसमें स्टॉपर्स लगाएंगे 718 का, और 718 का स्टॉपर्स लगा करके नीचे हम लोग टारगेट का इंतजार करेंगे 708 में, जो कि मैंने बताया कि उसका एक इमीडिएटली नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है। अगर कल एक्सिस बैंक इसको अगर कभी क्रॉस करें तो और डाउन साइड की मूवमेंट नीचे में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की, भारतीय एयरटेल। दोस्तों, भारतीय एयरटेल आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन आते हुए आपको दिख रही है, और ये क्रूशल सपोर्ट है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर मैं लगा करके रखा है, इसलिए ट्रेंड लाइन का ये ऊपर में कहाँ से आ रही ये भी आपको नहीं दिखेगा, और ये क्रूशल सपोर्ट कहाँ से ये भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आज के सेशन में जब आपने अगर देखा होगा तो इस सपोर्ट को इसने दो बार टच किया, तीसरे बार टच करने का मैं यहाँ पर मैं आकर के नीचे में लगभग सपोर्ट के बहुत करीब में आकर के इसने डाउन साइड में क्लोजिंग दी है। भारतीय एयरटेल में बहुत अच्छी एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर भारतीय एयरटेल इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, जो कि है 442.50, और अगर मान के चलिए 442.50 के नीचे में भारतीय एयरटेल कभी क्लोज देता है और सस्टेन करता है तो डाउन साइड की एक अच्छी खासी मूवमेंट नीचे में देखने को आपको ज़रूर मिलेगी भारतीय एयरटेल में। इसलिए भारतीय एयरटेल आज हमारे सेलिंग रेडर के ऊपर में, भारतीय एयरटेल को हम लोग यहाँ पर में सेल करेंगे 442.50 के नीचे में। अगर हमने इसको सेल किया तो हम लोग इसमें एसएल लगाएंगे 444.50 का, और नीचे में हम लोग इसमें टारगेट लाएंगे 435 का। जो हमारा तीसरा स्टॉक है दोस्तों, वो है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स को अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर में ब्रेक किया है, और ये जो एक इसका क्रूशल रेजिस्टेंस है जिसको ये अभी के अभी तीन बार लगभग टच कर चुका है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ। इस सपोर्ट को पिछले दो दिन से इस लेवल के आसपास में सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि एक क्रूशल ट्रेंड लाइन है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आज नीचे में इसने क्लोजिंग दिया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं क्रूशल सपोर्ट या क्रूशल रेजिस्टेंस की बात जब मैं करता हूँ, क्रूशल सपोर्ट या क्रूशल रेजिस्टेंस, वो या तो ट्रेंड लाइन के स्वरूप में हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के स्वरूप में हो सकती है, लेकिन जब भी ये कोई भी एक क्रूशल चीज़ को, फिर वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, या फिर वो हॉरिजॉन्टल हो या ट्रेंड लाइन हो,
राइट। अगर मान के चलिए क्रूशल लेवल को कोई एक स्टॉक क्रॉस करके, सिर्फ ब्रेकआउट करके नहीं, क्रॉस करके नीचे में या ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो उसके दूसरे दिन उन स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट बनने देखने को मिलती है दोस्तों। वही काम आज एस्कॉर्ट ने यहाँ पर में किया है, अपने क्रूशल सपोर्ट के नीचे में एस्कॉर्ट ने क्लोजिंग दिया है। अगर एस्कॉर्ट मैं मान के चलिए कल अगर थोड़ी बहुत भी डाउन से बची हुई तो आपको कल देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट हम लोग सेल रखेंगे 600 के नीचे में, 600 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 602 का और टारगेट हम लोग रखेंगे 596 का। इंट्राडे स्कैल्प पर स्टॉक्स का काफी अच्छा लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने 3 स्टॉक्स देख लिए, अब मैं आपको जरा बताना चाहूंगा हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। अब आपको मैं केवल मतलब इतना बताना चाहता हूँ यहाँ पर हम लोग प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग करते क्या है। हम लोग कुछ स्टॉक्स आपको ऑन रेडार निकाल करके देते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहो तो प्रोसेस का वो बता देता हूँ, लेकिन प्रोसेस शुरू होने से पहले आपको केवल मतलब ये बता देता हूँ कि हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है क्या। हम लोग यहाँ पर मैं एक दिन पहले कुछ स्टॉक्स आपको देते हैं या फिर मार्केट शुरू होने के पहले कुछ स्टॉक्स आपको देते हैं। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी मैं एक स्ट्रैटेजी बताई हुई है जो आपको हमारी वीडियो में दिखती होगी, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखेगी ये वाली स्ट्रैटेजी दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग इन स्टॉक्स इन हिंदी, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको अभी ये आई बटन में मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो, राइट। ये स्ट्रैटेजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन, जो कि हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के लोगों को देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 5 दिसंबर के दिन और फार्मा स्कॉट सिंडाल को आईसीआईसी बैंक दिया था, इसी के साथ साथ में हम लोगों ने एक बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी बताई है, इधर में आपको मिलेगी वो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, 28 मिनट का वीडियो चेक कर लीजिएगा। वो दो स्ट्रैटेजीज हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स को, सभी मेंबर्स को यूज करने के लिए बोलते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप लोग उठा सकते हो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके, जिसके लिए आपको करना एक बहुत ही सिंपल चीज है। हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर में क्लिक करिए, अलाइज ब्लू अकाउंट ओपनिंग बाय क्लिकिंग बिलो लिंक, इस लिंक के ऊपर में क्लिक करिए, एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर मैं अपने डिटेल भरिए, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट को सेलेक्ट करके ओपन एन अकाउंट के ऊपर में क्लिक करिए। अलाइज ब्लू कंपनी को हम लोग प्रमोट करते हैं। अलाइज ब्लू कंपनी को प्रमोट करने के पीछे का कारण क्या है, एंटायर इंडिया में जाकर के देख लीजिएगा जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज है, निफ्टी का जाकर के आप लॉट चेक करिए। एक निफ्टी का लॉट अगर आपको बाय करना है मिनिमम 15,000-20,000 से 25,000 रुपए रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट अलाइज ब्लू में है MIS मार्जिन आपको मिलेगा 9,000 रुपए में आप MIS का एक लॉट, MIS में एक लॉट आप निफ्टी का बाय कर सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर में अगर आपको करना है 3,000 रुपए में बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आप 7,000 रुपए में एक लॉट MIS में बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और बैंक निफ्टी ब्रैकेट ऑर्डर में 2,000 रुपए में यहाँ पर में बाय या सेल कर सकते हो दोस्तों। इंटर या इंडिया में हाईएस्ट लेवरेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, और जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए लेवरेज का कितना इंपॉर्टेंस है ये बात मैं बताना जरूरी नहीं समझता दोस्तों। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेवरेज को अच्छी तरह से यूज करिए, ढंग से यूज करिए, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। चलिए बचे हुए 2 स्टॉक्स हम लोग ले लेते हैं, और बचे हुए कुछ और स्टॉक्स मैं आपको फ्री के टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। हमारा फ्री का टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यह हमारा फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको कुछ इस तरीके के ट्रेड्स वहां पर में देखने को मिलते हैं। हमारा जो 34th स्टॉक है दोस्तों वो हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, अगर आप देखेंगे ढंग से हीरो मोटोकॉर्प एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर करके नीचे आ चुका है, राइट। और यहाँ पर मैं एक सपोर्ट को भी मीट किया है, और सपोर्ट को केवल मतलब मीट नहीं किया, जैसे मैंने पिछले वाले स्टॉक्स में आपको बताया स्टॉक्स में कि सिर्फ सपोर्ट को सिर्फ टच करके ऊपर नहीं है, सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे में क्लोजिंग हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पर मैं देखने को मिली है। अगर हीरो मोटोकॉर्प कल अगर कभी इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प को हम लोग सेल करेंगे 2350 के नीचे में, इसका स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 2362 का, इसका टारगेट हम लोग रखेंगे 2325 का। जो आखिरी स्टॉक्स हम लोगों ने देखा है दोस्तों वो है कोटक बैंक का। कोटक बैंक जो इस अपनी रेजिस्टेंस जोन के आसपास में पिछले 2-1 दिनों से ट्रेड कर रहा था, कल का मूवमेंट परसों का मूवमेंट देखने का ऐसा लगा कि कोटक बैंक अभी इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, और दूसरे दिन उसने एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया। लेकिन आज कोटक बैंक ने लगभग अपने क्रूशल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। ये जो क्रूशल रेजिस्टेंस का जो जोन है, इस जोन के ऊपर में भी और अभी स्टॉक जा सकता है, लेकिन एक यहाँ पर में एक अच्छा खासा ये जोन के अंदर में इसने ब्रेकआउट यहाँ पर में दिया है, और केवल मात्र ब्रेकआउट नहीं दिया दोस्तों, ब्रेकआउट देकर के ऊपर में ढंग से इसने क्लोजिंग भी दे दिया है। अब अगर मान के चलिए कोटक बैंक कभी इस लेवल को क्रॉस करता है 1680 की, राइट, तो ऊपर में एक अच्छी खासी मूवमेंट निकाल सकता है, दिखा सकता है। आप देखोगे आने वाले दिनों में कोटक बैंक मूवमेंट जा सकते हो। सबसे मेन बात, आज इंटर मार्केट नेगेटिव होने के कारण भी
कोटक बैंक काफी अच्छे तरीके से अपमूव देता हुआ यहाँ पर में विथ वॉल्यूम। सो कल एक कोटक बैंक में अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बाइंग लेवल है 1680 की, स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हो 1674 का और टारगेट आप लोग रख सकते हो 1692 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।